बड़ी खबर फतेहाबाद से है। टोहाना के चांदपुरा में घग्गर नदी का बांध टूट गया और फतेहाबाद से लगते पंजाब के कई गांव ऐसे के जहां पानी भर गया के मानसा जिले के कई गांव को नुकसान हुआ के। ये गांव है चांदपुरा, बब्बनपुर और पंजाब के गांव कुलरिया को भी नुकसान का खतरा के। इधर आपको ये बता दें कि कानपुर, बहादुरपुर, दलियालपुर समेत कई शहरों को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि देखिए जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त ये समय एक देखा जा रहा है जब खेतों में पानी घुस गया है। डर इस बात का है कि जिन ग्रामीण इलाकों को पानी प्रभावित कर रहा है कहीं लोगों के घरों तक में पानी ना घुस जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जसपाल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जसपाल, बढ़ता जलस्तर चिंता का सबब बना हुआ है, फिलहाल कितना नुकसान होता दिख रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद का जो पंजाब के साथ लगता एरिया है जाखर, रतिया, टोहाना, वहां पर जो घग्गर नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर रंगोई जो नाला बोलते हैं और घग्गर जो है कई जगह से रिसाव होकर जो खेतों में पानी है वो जा चुका है, तो किसानों को काफी नुकसान की इसमें आशंका है, क्योंकि उनका खेत है, धान का खेत है और नरमा का खेत है वो पूर्ण रूप से है डूब चुका है, तो ऐसे में किसानों को काफी दिक्कत है। और हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है, लगातार जो रिसाव होते हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, उन पर बांध बना रहे हैं, तो काफी प्रशासन जो है इसमें जुटा हुआ है ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत पानी से ना आए। हालांकि सभी जो प्रबंध है वो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। अच्छा, देखिए कौन कौन से वो गांव है, हरियाणा की बात कर लीजिए चाहे आप पंजाब की बात कर लीजिए, जहां पर पानी घुस गया है, क्या ग्रामीण इलाकों में, क्या गांव के अंदर भी पानी घुसा है, क्या लोगों के घरों को भी नुकसान हो रहा है? जसपाल, देखिए, इस घग्गर नदी से जो है तीन जिले ज्यादा जो है पंजाब के साथ लगते हैं, एक तो पंजाब का जिला मानसा और फतेहाबाद जिला और सिरसा जिला है, इस घग्गर नदी से काफी प्रभावित होता है। इसके सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां पर जो पानी है वो इस नदी का जो प्रभाव डालता है, और जाखल इलाके की हम बात करें तो पूर्ण रूप से जाखल का इलाका है वो पानी से डूब चुका है और फसलें भी डूब चुकी हैं, लोगों के घरों में भी पानी जा चुका है और जो खेतों में ढाणियां बनी है वहां भी ये जो घग्गर का पानी है वो वहां पर पहुंच चुका है, लोगों को बाहर निकाला गया, सुरक्षित जगह पर भी भेजा गया प्रशासन की तरफ से भी। चलिए जसपाल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो घग्गर नदी का बांध टूट गया है, कई ऐसे इलाके हैं जो जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे, तो वही अब गाँव में मकानों तक में पानी घुस गया के।